तो हमने बेसिकली लैम्डा को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, तो जस्ट विल हैव अ लुक एट इट वंस, क्या समझा है उसमें आपने। तो हमने ये देखा था लैम्डा में कि इट इज अ फंक्शन एज अ सर्विस, मतलब जो भी एक्टिविटीज आप लैम्डा में करोगे वो एज अ फंक्शन डिप्लॉय करते हो, ठीक है। फंक्शन डिप्लॉय करते हो मतलब वो फंक्शन में उसके कंपोनेंट्स रहेंगे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आई वेन विल क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन व्हेन एट दैट टाइम यू विल व्हाइल सेलेक्टिंग इंजिन यू विल सी मेनी ऑप्शन दैट आर देयर विच यू कैन अवेल टू डू योर कोड, ओके। तो इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इट इज अ सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस दैट यू नो, ठीक है। दैट अलाउज यू टू रन योर कोड विदाउट प्रोविजनिंग और मैनेजिंग सर्वर्स। ये तो चीजें काफी कॉमन है। तो फीचर्स में हमने देखा था कि इट सपोर्ट्स रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, वी वुड से नियर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन इवेंट एंड ऑल, ओके। वी कैन सो टुडे जो एक हम लोग डेमो देख रहे हैं वो इवेंट ड्रिवन ट्रिगर का डेमो देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग व्हाट विल डू इज कि विल क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन विच सेंड्स S3 पुट रिक्वेस्ट। मतलब अगर S3 के कोई बकेट में जो हम लोग मेंशन करने वाले हैं उसमें अगर कोई फाइल ड्रॉप होती है तो लैम्डा फंक्शन विल ट्रिगर अ ग्लू जॉब, ठीक है, विच विल प्रोसेस दैट फाइल, ठीक है। तो दैट इज आर डेमो टूडे, ठीक है, जो मैंने लिखा है लैम्डा एज ए इवेंट ट्रिगर, इट ट्रिगर्स अ ग्लू जॉब व्हेन सेंसेस द S3 पुट, ठीक है। तो वो हम करेंगे, ठीक है। और द सेकेंड पॉइंट वॉज स्केलेबिलिटी। वी नो लैम्डा फंक्शंस आर स्केलेबल, यू कैन स्केल इट अप एंड डाउन, ठीक है। अगर आर्किटेक्चर ऑफ लैम्डा फंक्शन लैम्डा एज अ सर्विस आपको देखना है तो आई कैन शेयर यू द डॉक्यूमेंट। आई वुड से नो नीड एज सच, बट इफ यू आर क्यूरियस इनफ यू कैन स्पेंड 2-3 आवर्स इन अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर। बट अगर हमने रिज्यूमे में इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है प्रोजेक्ट्स में तो नो वन विल आस्क यू आर्किटेक्चरल क्वेश्चंस फ्रॉम लैम्डा, ठीक है। जस्ट अ डिस्क्लेमर, ठीक है। जिसको जिसके पास टाइम है दे कैन स्पेंड 2-3 आवर्स इनटू इट, जो भी समझती है चीजें। अगर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कंपैरिजन रिलेटेड, व्हाई डू यू प्रिफर ग्लू ओवर लैम्डा और समथिंग लाइक दैट, व्हाई व्हाई यू हैवंट यूज लैम्डा हियर, ओके। बहुत से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने इतना डेटा साइज था तो पांडास क्यों अवेल नहीं किया, व्हाई व्हाई यू हैव मूव टुवर्ड्स क्लस्टर बेस इकोसिस्टम, डू यू रियली रिक्वायर सच हाई एंड क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोसेस सच स्मॉल डेटा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तब वो सिंपल पूछते हैं कि पांडास में भी ये 15 मिनट का भी जॉब नहीं है या फिर 10 मिनट का भी जॉब नहीं है, यू नीड टू हैव सर्टेन आंसर्स टू इट, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको देखना है तो यू कैन अंडरस्टैंड द लैम्डा लैम्डा आर्किटेक्चर, आई कैन शेयर यू माय नोट्स, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस का एज सच मेन फोकस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज इवेंट ड्रिवन डेटा पाइपलाइन, दैट द थिंग विच वी आर गोइंग टू डेमॉन्स्ट्रेट टूडे। कैसे लैम्डा फंक्शन से हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लोज को बाइंड करते हैं, ठीक है, चेन टुगेदर। हाँ, इंटीग्रेशन विद अदर AWS सर्विसेज, यू हैव दैट ऑप्शन टू इंटीग्रेट विद अदर AWS सर्विसेज, दैट वी विल सी। इफ यू वॉन्ट टू एड अ ट्रिगर तो ट्रिगर के लिए भी अलग अलग AWS सर्विसेज के ऑप्शन है। एट दैट पॉइंट आई विल मेंशन दिस पॉइंट देयर ऑल्सो, ठीक है। कॉस्ट एफिशिएंसी, या इट इज कॉस्ट एफिशिएंट, क्यों कॉस्ट एफिशिएंट होगा ये बताओ मुझे, किसी ने सोचा इसके बारे में? यहाँ पे लिखा ही है वैसे, चलो। रन टाइम पे कॉस्ट लगता है। यस, जब आपका लैम्डा फंक्शन एक्टिव है तो उसी कंप्यूट टाइम का कॉस्ट लगता है, अदरवाइज आपको कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है। ओनली पे फॉर द प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस डेटा, यस, मैं मुझे दिखा नहीं था, लिखा हुआ ही है, ठीक है। शेड्यूल डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, यू कैन शेड्यूल जॉब ऑल्सो, और ग्लू जॉब और EMR एट स्टेप, समथिंग लाइक दैट। वॉट एवर डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क यू वॉन्ट टू ट्रिगर, यू कैन ट्रिगर बेस्ड ऑन शेड्यूल ऑल्सो, ठीक है। चलो, तो ये सब चीजें देखी थी हमने।
मुझे जितना याद है हमने एक लैम्बडा के इंटरफेस का ओवरव्यू भी लिया था, आई थिंक सो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखा था ना हमने लैम्बडा में क्या क्या है, आई यस डोंट सर, रिमेम्बर। ठीक है चलो, तो व्हाट विल डू इज, आज का हमारा एजेंडा है ये डेमो करना, ठीक है। लैम्बडा एज इवेंट ट्रिगर, इवेंट ट्रिगर विच ट्रिगर्स अ ग्लू जॉब व्हेन इट सेंसेस द S3 पुट, ठीक है। तो मेरे पास तो ऐसा कोई ग्लू जॉब नहीं है, तो विल हैव टू क्रिएट अ ग्लू जॉब विच इज सिंपल, विच रीड्स अ S3 फाइल एंड जस्ट डू अ बेसिक सॉर्ट ऑफ बेसिक ऑपरेशन ऑन इट एंड ड्रॉप्स द फाइल टू S3। द पर्पज इज नॉट टू सी द ट्रांसफॉर्म्स हियर, पर्पज इज टू सी वेदर द लैम्बडा फंक्शन इज एबल टू ट्रिगर बेस्ड ऑन S3 पुट और नॉट, ठीक है। तो व्हाट विल हैव टू डू इज विल गो टू यस कंसोल। ओके चलो, पहले हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेते, ठीक है। सो वी क्रिएट अ फंक्शन, ओके, गिव अ फंक्शन नेम एज लैम्बडा इवेंट डेमो, ठीक है। लैम्बडा इवेंट डेमो, या हियर यू कैन सी द रन टाइम्स। नाउ देर आर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट इट सपोर्ट, लाइक डॉट नेट, गो, जावा, नोड जेएस, पाइथन, रूबी 3.2, अदर सपोर्टेड रन टाइम्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। तो हम लोग अभी कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं जनरली पाइथन का? 3.8 3.8 कर रहे हो आप, है ना? चलो फिर 3.8 ही लेते हैं यहाँ पे, कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3.9 स्टेबल है ना ज्यादा? आई डोंट नो, 3.8 कर रहे हो तो 3.8 लेते हैं फिर यहाँ पे। तो आर्म 64 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। x86-64, आर्म 64, चलो कोई भी ले लो ना, कुछ दिक्कत नहीं है। परमिशंस में एग्जीक्यूशन रोल, हाँ इसमें एग्जीक्यूशन रोल में देखो हमारा स्टेटमेंट क्या है कि ये S3 पुट सेंस करना चाहिए इसने, मतलब S3 का लैम्बडा के रोल को S3 का एक्सेस होना चाहिए, S3 परमिशंस होनी चाहिए, वैसे ही ग्लू की परमिशंस होनी चाहिए बिकॉज इट विल बी ट्रिगरिंग अ ग्लू जॉब, राइट। ऑल्सो नॉट जस्ट ट्रिगरिंग, इट विल रिसीव द रिस्पॉन्स फ्रॉम इट ऑल्सो, ठीक है। तो ग्लू की भी परमिशन होनी चाहिए, और हमें लॉग्स देखने के लिए क्लाउड वॉच देखना है तो क्लाउड वॉच की भी परमिशन दे देते हैं, ठीक है। व्हाट विल डू इज विल क्रिएट अ रोल देयर। मेरे पास है नहीं, है ऐसा कोई रोल नहीं है मेरे पास, तो व्हाट आई डू विल क्रिएट वन रोल, रोल फॉर लैम्बडा, ओके, यूज केस AWS लैम्बडा का दिख रहा है, ठीक है। यस नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे क्या देना है हमें, S3 फुल एक्सेस, अभी के लिए तो ऐसे ही कर देते हैं, S3 फुल हो गया। ग्लू का कौन सा रोल देते हैं हम लोग जनरली, कौन सी परमिशन देते हैं पॉलिसी? ग्लू फुल एक्सेस भी है ना, ग्लू कंसोल फुल एक्सेस, तो और कोई है ग्लू? ग्लू फुल एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। ओके, और क्या बोला था मैंने, क्लाउड वॉच ना, क्लाउड वॉच का कौन सा रोल देना है, फुल एक्सेस वाला रोल कौन सा है वैसे क्लाउड वॉच का, किसी ने देखा है अब तक? प्रोवाइड फुल एक्सेस टू रीड ओनली,
ये नहीं चाहिए हमें। क्लाउड वॉच इवेंट्स फुल एक्सेस, हाँ ये हो ठीक है। तो नेक्स्ट रोल AWS लैम्बडा इवेंट रोल ठीक है। AWS लैम्बडा इवेंट रोल, और कोई परमिशन ऐड करनी पड़ेगी हमें, बोलो पर ना क्या हुआ। प्रिपेयर म्यूट करो यार, म्यूट करो। अरे बोलो, कोई परमिशन लगेगी हमें, और इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं यार। हाँ या ना बोल दो, नहीं लग रही है तो ना बोल दो। में S3 की लगेगी ना। S3 दिया ना हमने, फुल एक्सेस देखते हैं हम। चलो AWS लैम्बडा इवेंट रोल ठीक, S3 फुल एक्सेस दिया है हम, देखो ठीक है। कंसोल ग्लू कंसोल दिया है, और क्लाउड वॉच इवेंट फुल एक्सेस दिया ठीक है। तो ओके चलो, तो ये रोल हम लोग इसमें, जो एग्जिस्टिंग रोल ये है हमारे पास, वैसे था मेरे पास रोल ठीक है। एडवांस सेटिंग में कुछ है क्या? आई डोंट थिंक सो। चलो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, क्रिएट ओके। हमारे पास ब्लू जॉब भी नहीं है, विल हैव टू सी सर इस। हाँ बोलो। सेज मेकर की परमिशन लगेगी क्या? वो नोटबुक के लिए लग रही थी ना हमें वैसे लास्ट टाइम। यस सर। हाँ आई डोंट नो, नहीं लगेगी शायद, क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्लू जॉब ट्रिगर कर रहे हैं ना। हाँ आई डोंट थिंक सो, सेज मेकर की परमिशन लगेगी। और वो पता नहीं यार, लास्ट टाइम भी वो सेज मेकर की कुछ वो रोल का सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया था वैसे भी हमें ठीक है। तो यस सर, यस सर। वो रिलेटेड टू नोटबुक टाइप ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे शायद सेज मेकर की परमिशन लगती है ठीक है। ओके सर। तो हमें एक बकेट डिसाइड करनी है वैसे। व्हाट विल डू इज विल क्रिएट अ ग्लू जॉब वंस ठीक है, और वो ग्लू जॉब आप क्रिएट करके दोगे मुझे, अभी आप ही सब कुछ बताओगे मुझे। लेट्स चूज वन फाइल, किसी को याद है हमने कहाँ रखा था? डोंट रिमेम्बर। ट्रैफिक डेटा सेट वगैरह हमारे पास था ना वैसे लास्ट टाइम, एनीबडी रिमेम्बर इट? और से डेटा साइंस की बकेट ही बनाई थी ना हमने वैसे। हाँ ठीक है, चलो हमारा सोर्स डेटा ये है, ट्रैफिक डेटा सेट ओके। व्हाट विल डू इज विल क्रिएट वन फोल्डर व्हिच लैम्बडा डेमो ठीक है। लैम्बडा डेमो नाम का फोल्डर बना रहा हूँ मैं, क्रिएट दिस वन। सबको समझ में आ रहा है क्या? मतलब एटलीस्ट आर यू एबल टू फॉलो मी, व्हाट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव? हाँ, यस फंक्शन बनाया हमने, सर। अभी हमें ट्रिगर ऐड करना है, और ट्रिगर S3 के लोकेशन का करना होता है। तो वी आर क्रिएटिंग दैट लोकेशन विच विल बी यूज फॉर व्हाट डू यू से, इंसर्टिंग अ फाइल विच विल ट्रिगर अ लैम्बडा फंक्शन। ऑल्सो दिस विल बी यूज एज अ रेफरेंस इन योर ग्लू जॉबर्स ऑल्सो ठीक है। तो आई हैव क्रिएटेड दिस फोल्डर ठीक है, हियर विल एड द फाइल ओके। सो विल गो बैक, कॉपी दिस S3 URI विच विल बी यूजफुल वाइल क्रिएटिंग अ ग्लू जॉब। अभी मुझे बताओ क्या करना है, ग्लू जॉब क्रिएट करना है मुझे। एक मेरी रिक्वायरमेंट बताता हूँ, आप मुझे समझाना कैसे करना है क्या करना है ठीक है। तो मुझे सिर्फ चाहिए कि मेरी S3 फाइल जो भी आएगी
वो सिर्फ एज अ डेटा फ्रेम रीड हो, ठीक है। उसमें एक बेसिक फिल्टर लगे, कौन सी फाइल चूज करनी है वो देख लेंगे हम लोग। अगर उसमें नल वैल्यूज होगी किसी एक कॉलम पे, तो वो हमें सिर्फ ये करना है, वो वाला रिकॉर्ड डिस्कार्ड करना है, ठीक है, या फिर ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर दो, ऐसा कुछ कर दो। एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जिसमें रिकॉर्ड का काउंट चेंज भी ना हो, आई डोंट केयर, ठीक है। सिर्फ सिंपल फंक्शन लगाना है उसमें, और विल ड्रॉप इट इनटू वन ऑफ द लोकेशन दैट विल हैव फिगर आउट कहाँ पे ड्रॉप करना है, लैम्बडा डे में। इसी में करते हम लोग इनपुट आउटपुट कर लेते। चलो विल क्रिएट टू फोल्डर्स, इनपुट वन मोर फोल्डर आउटपुट, ठीक है। हमें इसका URI पास देना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे विजुअल से बनाना है कि कौन यस सर, इनिशिएट करता है कि यस सर। मुझे गाइड करेगा वो जॉब बनाने में, कोई एक पर्सन तो इज कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि अभी इंटरव्यूज है, आपको कुछ बात तो करनी पड़ेगी ना आगे वाले से, बताना भी पड़ेगा। मैंने अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा आपको कि मुझे बताओ यार एक स्टेप एंड टू एंड गाइड मी हाउ टू क्रिएट अ ग्लू जॉब एंड हाउ टू व्हाट एवर, हाउ टू डू दिस ट्रांसफॉर्म इन इट, हाउ टू क्रिएट अ रोल फॉर इट, तो कैसे बताओगे? अभी नहीं बताओगे, कोई बता सकता है? हु कैन टेक अ इनिशिएटिव एंड एक्सप्लेन मी दिस थिंग्स? आपसे काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बालाजी, आप बता रहे हो क्या? कोई भी नहीं है? हेलो हेलो नो no. हाँ हाँ बोलो, सर, यस फर्ट वी विजुअल यूटर, वी विल टेक विजुअल यूटर, देन हाँ, विल गो स्टेप बाय स्टेप। ओके ओके, व्हाट अबाउट वी हैव टू चूज द सोर्स वेयर स्क्रीन एंड द नेक्स्ट स्क्रीन, S3? ओके, ट्रांसफॉर्म्स भी सेम चूज कर। ट्रांसफॉर्म, यस ओके, क्या करना है इफ ट्रांसफॉर्म? यू वांट टू डिलीट नल रिकॉर्ड्स देन ड्रॉप ठीक है, कुछ भी करो आप, आपके हिसाब से बताओ मुझे नल जो फील्ड्स, करना है। ड्रॉप नल फील्ड्स, ओके ठीक है। और एंड देन टारगेट टारगेट यस्टरडे अगेन यस्टरडे अमेज़न यस्टरडे S3, ठीक है। हाँ S3 डाल दिया मैंने टारगेट। अभी क्या करना है आगे? नाउ वी हैव टू ऐड द पेरेंट एंड ओके ठीक है, S3 लोकेशन ऐड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक यस है। मेरा डेटा साइंस बकेट तो यार कोर्स डेटा में था क्या? अरे यार गलत इसमें चलेगा हम लोग। हाँ इनपुट यहाँ तक का ही लोकेशन है ना? यस ओके ठीक है, ये रिकर्सिव रखना है या नहीं रखना है? डजेंट मैटर, अंदर फाइल ही नहीं है, बराबर ठीक यस सर, है। कर देते हैं। डेटा फॉर्मेट वगैरह कुछ मेंशन करना है? सीएसवी अगर तुम्हारे मिनट, यार ड्रॉपिंग द CSV फाइल है ना? ठीक, यस सर, चलो। इसको नाम दे देते हैं S3 इनपुट। और कुछ हमारे इसमें कॉलम हेडर है या नहीं देखना पड़ेगा हमें। जस्ट गिव मी सेकंड, ट्रैफिक डेटा सेट था ना हमारा। कौन सा टेबल छोटा है वैसे इसमें? या फिर दूसरा ले लेते हैं, कोई गराज ले लेते हैं। इसमें कस्टमर छोटा ही है ना फाइल, 1 KB? यस ओपन दिस थिंग्स, इसमें हेडर है या नहीं देख लेते हैं बस। सर, हेडर है वहां पे सब, यस हेडर इज रिकॉर्ड है। हाँ
हेडर एज अ रिकॉर्ड है वहां पे, तो फर्स्ट लाइन ऑफ सोर्स फाइल कंटेन्स कॉलम हेडर्स, ये रखना है है ना। यस और पोर्ट कैरेक्टर डिलिमिटर करेक्ट ही है, और कुछ नहीं, इतना ही है सर उसके लिए। इतना ही है। आउटपुट स्कीमा में वगैरह कुछ करना है नहीं, राइट। नहीं फिट टू स्क्रीन करते हैं हम इसको। ओके, नल फील्ड्स में क्या करना है अभी? अभी यहाँ पे एसटी, पैरेंट आ रही है। हाँ एडेड है, यस सर। पैरेंट एडेड है। रिमूव फील्ड्स और नल ऑब्जेक्ट्स क्या करना है इसमें? नल स्ट्रिंग देखना है क्या या एम्प्टी स्ट्रिंग? अगर वहां पे नल होगा तो नल, मतलब ओके, हमारे इसमें जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। हमारे इसमें कुछ भी नहीं है शायद। ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट इट वेरी मच, ट्रांसफॉर्म्स हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नल रिकॉर्ड नहीं है तो जॉब फुलफिल हुआ ऐसे के समझ में कैसे आएगा सेम ही ना। आएगा, सेम हाँ सेम 8 के 8 रिकॉर्ड आएगा। तो यहाँ पे अगर एक नल बना दिया तो समझ में आ जाएगा ना कि जॉब रन नहीं होती। और तो मुझे फिर, हाँ ठीक है चलो कर लेते। वहीं पे एड्रेस नल कर दिया तो भी चलेगा ना सर। हेलो ठीक है चलो करते हैं हम लोग। सिग्नल, उसका सरनेम है नल वैसे। तूने सिक्स एड्रेस कहाँ पे है वैसे? हाँ एड्रेस ये ठीक है। इसको क्या करते हैं, एम्प्टी रखते हैं। यस सर, वहां पे एम्प्टी से लिख के आएंगे। ठीक है ठीक है, ये यस चलो चेंजेस भाई। ठीक लेट्स सी वंस। ठीक है ठीक है ओके। हाँ अभी बोलो। एम्प्टी स्ट्रिंग और नल दोनों सिलेक्ट किया है हमने, ऐड नल कॉलम करना पड़ेगा राइट। न्यू वैल्यू फॉर द नल, क्या यहाँ पे न्यू वैल्यू फॉर द नल ऐड करनी है ना शायद। स्पेसिफाई कस्टम न्यू वैल्यू द इंटरनल पिछले कस्टम नल वैल्यू में एंट्रिंग वैल्यू एंड चेंजिंग द डेटा टाइप, इंस्टेड ऑफ नल, यहाँ पे हमें जो चाहिए वो वैल्यू एंटर करनी है ना शायद। क्या करना है बोलो। नल अभी पुणे इंटर किया। ओके यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली, हेलो। सिर्फ नल रखना है क्या यहाँ पे? लिखना है क्या?
शायद यहाँ पे हमें नल की जगह जो वैल्यू चाहिए वो लिखनी होगी एम्प्टी ना, स्ट्रिंग रखना पड़ेगा, है ना। एड कस्टम नल वैल्यूज, मतलब सर नल की जगह अगर हमें और कोई वैल्यू चाहिए जैसे एनवीएल टू यूज करते हैं, एनवीएल यूज करते हैं, वैसे लग रहा है मुझे तो कि क्या करना है इसमें, टू उन्हें नल डाल, एड, यस हाँ ठीक है, डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, यस एड न्यू वैल्यू, ये हो गया इसका काम। ओके यस ठीक है, इसका पेरेंट्स चोजन है S3 आउटपुट, ठीक है, और इसको CSV में ही सेव करते हैं। टारगेट कॉन्फिगरेशन टारगेट लोकेशन टारगेट, ठीक है। तब हो गया, ठीक यस अभी जॉब डिटेल्स, जॉब नेम, जॉब फिगर्स, ठीक आई एम गुड। S3, ठीक है, इस तरह का काम। वजन दिस विल, हाय वर्कर कितने देने हैं, ओके, एनीथिंग एल्स, जॉब टाइम आउट जॉब टाइम आउट कितना, 3 या 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स, नंबर ऑफ रिट्राइज अगर 3 होंगे तो मैं रहने दो, ओके नंबर ऑफ रिट्राइज नहीं चाहिए। ओके हो गया, अभी बाकी सब यस चीजें हो गई, सेव यस दिस टाइम। फिर स्क्रिप्ट देखते हैं पहले, वो रीड कैसे कर रहे हैं देखना पड़ेगा नाम। S3 input more the content and from options path, यहाँ पे स्टार CSV करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं यहाँ पे पाथ वो पूरा ले लेगा ना, जो भी फाइल है वो, सर हमने बोलो। चूज किया था ना वो सब डायरेक्टरीज का तो यस यस, कर लेगा। पर्टिकुलर फाइल चूज नहीं की थी लेकिन हमने, बराबर, ठीक यस है, चलो लुक्स ओके ना, सर चलो ठीक है। फिर आपने बोला मतलब अभी मैं मान लेता हूँ, आई डोंट नो होगा या नहीं, फिर ठीक है। ट्रिगर, अभी ट्रिगर चूज करना है हमें, ठीक है, तो ट्रिगर विल बी योर S3, ओके, तो यहाँ पे आपको बकेट नेम देना है, तो जो बकेट वाज दिस वन डेटा साइंस डेमो, हमें इवेंट टाइप ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट्स, नो नो नो, ओनली पुट, ओनली पुट, ये समझ में आया ना, कौन से टाइप की इवेंट से ट्रिगर करना है जो आप, ठीक है, हम सिर्फ पुट से ट्रिगर कर रहे हैं, कॉपी से भी होता है, कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है, अगर डिलीशन भी हो रहा है तो भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, जस्ट नो अबाउट दिस थिंग्स कि ये पॉसिबिलिटीज है, यू कैन ट्रिगर योर वर्कफ्लोज बेस्ड ऑन लैम्बडा इवेंट ट्रिगर, S3 के इस एक्शन से आप लैम्बडा इवेंट ट्रिगर को ट्रिगर कर सकते हो, बस ठीक है, इतना ही है, हम लोग सिर्फ पुट ले रहे हैं यहाँ पे। आई हैव टू प्रोवाइड अ प्रीफिक्स, ओके है हमारा बकेट, ठीक है।
ओके सफिक्स ठीक है, हम नॉट नेसेसरी कोई भी फाइल ला लेंगे तो होना चाहिए। सेम बकेट फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट इज नॉट रिकॉर्ड अंडर मेमोरी डिसीजन डिस्कस्ड। ओके या ठीक है, विल ऐड दिस थिंग इज एट नॉट इज बट व्हेन क्रिएटिंग इट इज करेक्ट द एरर्स। ओके तो हमने S3 का ट्रिगर तो डाल दिया अभी। व्हाट विल हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू कोड, ये आपका यहाँ पे कोड सेक्शन है। वी हैव एडेड अ ट्रिगर, हमें ये ट्रिगर से इसको हैंडल कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। ओके ये दिस वन इज ओल्डर वन। इवेंट डेमो ये हमारा ही फंक्शन है ना लैम्डा इवेंट। ओके आई डोंट वांट दिस पार्ट। तो बेसिकली ये देखो अभी लैम्डा फंक्शन में ना आपको क्या करना है अभी कि आपने लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर दिया, आपने ग्लू जॉब क्रिएट कर दिया, S3 का लोकेशन आपने डिसाइड कर दिया कहाँ से पुट करना है। यू विल हैव टू क्रिएट अ ग्लू कनेक्शन, ठीक है, मतलब Boto3 से ग्लू कनेक्शन बनाना है जहां जिससे आपका लैम्डा फंक्शन ट्रिगर कर पाएगा ग्लू जॉब को, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज विल क्रिएट अ ग्लू क्लाइंट, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है वैसे, ठीक है। तो ग्लू क्लाइंट क्रिएट करोगे, यहाँ पे आप ग्लू जॉब नेम हम लोग अभी के लिए हार्ड कोड कर देते हैं, हमारे ग्लू जॉब का नेम पता है हमें। आई विल गो टू ग्लू जॉब डिटेल्स, ये हमारे ग्लू जॉब का नेम है, विल हार्ड कोड इट, अदरवाइज यू कैन फेच इट ऑल्सो। ओके स्टार्ट जॉब रन ऑपरेटर पता है ना आपको ग्लू क्लाइंट का, तो उससे हम लोग इसको ये कर लेंगे, ट्रिगर कर लेंगे, ठीक है। वी डोंट वांट दिस पार्ट, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ओके ठीक है, बेसिकली किया क्या है हमने, एक एक बात देख लो अभी, ठीक है। ये जो आप लैम्डा फंक्शन में जो भी कोड करते हो ना, यू यू कैन यूज योर पांडास एज वेल एज योर Boto3। Boto3 वही है ना, पाइथन ही है, तो पाइथन टू ट्रिगर योर AWS सर्विसेज, ठीक है। यू कैन अवेल द फंक्शनैलिटी ऑफ पांडास ऑल्सो हियर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, आपने पाइथन चूज किया है तो यू कैन ऑल्सो डू लोकल ऑल्सो यूज लैम्बडा एज अ ट्रांसफॉर्मेशन टूल ऑल्सो। हियर वी आर यूजिंग इट एज अ इवेंट टूल, राइट, इवेंट ट्रिगर टूल। समझ में आ रहा है कि ये चीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस सर। कितने लोगों को समझ में आ रही है? आई कैन रिपीट इट, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ रही है, हैंड रेस कर लो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आई आई रिपीट वंस अगेन। ओके किसी का अगर कंसंट्रेशन लूज हो गया होगा, हम लोग बीच बीच में रुक रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमने जब डेमो के बारे में बात की तो वी आर अवेलिंग लैम्बडा एज ए इवेंट ट्रिगर, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम AWS की सर्विसेज को यहाँ से बस ट्रिगर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग Boto3 अवेल करेंगे। यू नो दैट Boto3 इज योर SDK फॉर अवेलिंग AWS सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, राइट। तो वहां से आप ग्लू का कनेक्शन बनाओगे, ग्लू का क्लाइंट बनाओगे, और या फिर कोई भी AWS का सर्विस का क्लाइंट बनाओगे और उस सर्विस को ट्रिगर करोगे। इट इज नॉट जस्ट, ये पर्पज सर्व नहीं करता है लैम्डा। व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हेन यू हैव चूजन पाइथन एज अ लैंग्वेज, इफ यू क्रिएट वन मोर लैम्डा फंक्शन, यू कैन हैव
transformation functionality in that also. You know that Python has a library named as pandas, which can help you do the transformation just like Spark. You know this thing, right? You know about pandas. Pandas may be data frames. The main difference in pandas and Spark is Spark works on cluster-based ecosystem. Panda works on single standalone machine. Okay. So pandas, chote transformation, small data handling, which does not require a distributed parallel processing. उसके लिए आप pandas यूज कर सकते हो. स्मॉल स्केल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में तो मल्टीपल कोर्स होंगे तो उसमें तो पैरेलल प्रोसेसिंग होगी ही, ठीक है. तो पैंडास भी कर सकते हो, मतलब लैम्बडा एज ए टूल यू कैन अवेल फॉर ट्रिगरिंग इवेंट्स, मींस इवेंट ड्रिवन ट्रिगर्स एज वेल एज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. बट आर स्कोप इज नॉट लिमिटेड टू इवेंट ड्रिवन ट्रिगर्स, ठीक है. हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको नहीं देखेंगे, समझ में आया, क्योंकि उसके लिए हमें पैंडास सीखना पड़ेगा. वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट. समझ गए सब लोग? इस चीज को एक बार क्लियर कर लो. अभी कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से एड्रेस कर दो. आई विल मूव अहेड. ठीक है, दैट इज इनफ. ओके, चलो इसको हम लोग रिटर्न में रिस्पॉन्स डाल देते हैं. ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड. लैम्ब्डा जॉब ट्रिगर ग्लू क्लाइंट स्टार्ट जॉब रन जॉब नेम इक्वल टू ग्लू जॉब नेम, यही कॉपी किया था हमने. ठीक है, चलो विल टेस्ट दिस वन वंस. टेस्ट वन this sale. From Lambda. I think this is working, not an issue. ठीक है, तो हम लोग इसको, हाँ, तो Lambda function को आपको ना deploy करना पड़ता है. यहाँ पे देखो, simple चीज है, आपका Lambda function आप जब भी के तब भी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर नहीं कर रहे हो. मतलब क्या कर रहे हो? जब एक्शंस होगी उस टाइम तक के लिए लैम्बडा फंक्शन शुड बी एक्टिव टू सेंस दैट थिंग. मतलब S3 पुट को सेंस करने के लिए लैम्बडा फंक्शन शुड बी एक्टिव. तो उसको डिप्लॉय मोड में रखोगे तभी वो सेंस कर पाएगा. ठीक है, तो यू हैव क्रिएटेड अ लैम्बडा फंक्शन एंड नाउ यू विल डिप्लॉय दैट फंक्शन. ठीक है, सक्सेसफुली अपडेटेड द फंक्शन. Okay, it is deployed. Now what we'll do is we'll drop a file. Okay, I think so. This is good. Test once. ये देखो, आपका job यहाँ से trigger हो गया. मैंने यहाँ पे test manual run किया, तो you are able to fetch that job ID from your Glue. समझ में आया क्या? Request ID and job ID. These are the details which you are facing as a response. Of your, बोलो, glue client का start job run operator का response है. ठीक है, तो I think lambda function में तो कोई issue नहीं है. Now we'll drop a file. Okay, क्या बात हमारी? Okay, ठीक है, चलो. So this will be our input. Load a file. Add files. Where was it? Garage customers updated. Okay. Open. अभी हमें क्लाउड वॉच में जाना है, पर क्लाउड वॉच में विल बी एबल टू मॉनिटर बेटर. आपसे भी देख सकते हैं हम लोग अपडेटेड रन, वहां से देख सकते हैं हम. I don't remember. Monitor से देख सकते शायद.
गिव मी अ सेकेंड नाउ, जस्ट फिगरिंग आउट की ओके ऑप्शन फंक्शंस योर डिटेल्स ओके जस्ट लेट्स लुक एट क्लाउड वॉच लॉग्स लॉग ग्रुप्स कॉन्फिगर नहीं है क्या ठीक है हमारा रिस्ट्रिक्शन लेटेस्ट टाइम नहीं ये तो नहीं है ओके आई डोंट नो यहाँ पे लॉग ग्रुप में आना चाहिए हमारी एक्टिविटी वैसे आर वी मिसिंग एनीथिंग कि जो क्लाउड वॉच में हमारा ये नहीं आ रहा है आपने क्लाउड वॉच कवर किया क्या खुद से गाइज रिस्पॉन्ड क्लाउड वॉच देखा है आपने खुद से थोड़ा बहुत क्लाउड वॉच आपको ही देखना है आप लॉग्स कैसे देखने हैं बेसिक लॉग ग्रुप्स कैसे देखने हैं वो आपको करना है ठीक है तो मैं तो वो लेने वाला नहीं हूँ तो आपको आपको एक बार देखना पड़ेगा वो जस्ट वॉच अ वीडियो आई विल सेंड यू वन गुड वीडियो फॉर क्लाउड वॉच हाँ ऐसे कुछ नहीं है क्लाउड वॉच में ठीक है तो ऐसे जो इश्यूज है वो आपको डिबग करके आने चाहिए ठीक है तो विल हैव टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड हमने जो क्रिएट किया था कैमरा कहीं पे फंक्शन दिखा था क्या हमें तो मतलब ऑप्शन दिखा था क्या ऐसा जहां पे हमने चॉइस नहीं की इसकी एक सेकंड फंक्शन डेस्टिनेशन फंक्शन चैट जीपीटी कॉन्करेंसी मॉनिटरिंग ओके यहाँ पे देखो वन बाई वन डेमो यहाँ पे तो दिखा रहे आई डोंट नो वहां पे क्यों नहीं आ रहा था फिर यार ये लॉग ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट स्पेसिफिक लॉग ग्रुप इन दिस अकाउंट और रीजन ओके ओके रीजन का इश्यू है ओके विल हैव टू डिबग इट ओके कुछ रीजन का इशू दिखा रहा है जस्ट गिव मी अ सेकंड इनसाइट्स कुछ नहीं है
नो ऑप्शंस। रीजन की क्या दिक्कत है वैसे? ओके 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 चलो ठीक है। तो ये इसको मैं फिगर आउट करके आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग हमारा लैम्बडा के रन देख लेते हैं, ठीक है? हाँ देख लो। फर्स्ट रन हमारा जो मैनुअल रन था तो वो ये था, ठीक है? यूटीसी टाइम दिखा रहा है यहाँ पे। 540 को जो रन किया था, ये 547 हुआ है अभी। और ये जो हमारा पुट का रन था, समझ में आ रहा है गाइस? आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो क्या बीच में? हम कुछ फिगर आउट कर रहे, तो मैंने जैसे क्लाउड वॉच का इश्यू देखना शुरू किया, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो क्या बीच में? नो नो सर। आना ठीक है। तो वही मैं पूछ रहा हूं तो कोई आंसर नहीं दे रहा है ना, दैट्स व्हाई। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा ट्रिगर तो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है? कोई मुझे बता सकता है कि हम लोग इस पेज से क्या समझ पा रहे हैं? ये मुझे कोई बता सकता है? अभी बी मोर अटेंटिव गाइस। मेरी गाइस मेरी मेरी भी एनर्जी कम है आज, ठीक है? तो आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना तो मैं एनर्जी में और डाउन डाउन जाऊंगा, ठीक है? तो जस्ट रिस्पॉन्ड। कोई समझा सकता है हम लोग रन्स में क्या देख रहे हैं अभी, एंड व्हाट इज द कंक्लूजन? यस सर, जब हमने यस्टी बकेट में फाइल पुट की तब हमारा ट्रिगर ट्रिगर हुआ और यहाँ वहां से उसका एज ऑफ रन हुआ, तो ये सक्सेसफुल हो ओके सकता है। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट रन? हाउ देयर आर टू रन्स? तो फर्स्ट दोनों रन इज फॉर पुटिंग द ऑब्जेक्ट इन हिस्ट्री बकेट एंड सेकंड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक। नो 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 आदित्य, पहला तो मैंने मैन्युअली किया था ना, मैन्युअली। मैन्युअली किया था ओके ना ओके सर, मॉडिफाई करने सॉरी। के। यस। तो ये तो ट्रिगर तो एक ही रन रहेगा, तो द ट्रांसफॉर्म का रन फॉर योर ग्लू जॉब विल बी ऑन इन योर ग्लू जॉब सेक्शन, राइट? ओके ग्लू सर, जॉब के यस रन सर। में आपका ग्लू जॉब का रन दिखेगा, ठीक है? ये तो आपके लैम्बडा फंक्शन का रन है, एंड हाउ मच टाइम इट टुक, ये भी ड्यूरेशन भी दिया है, ठीक है? तो दिस इज द थिंग, हमारा इतना ही ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे इतना ही बताना है लैम्बडा फंक्शन में क्या है। लैम्बडा फंक्शन कैन बी यूज इन टू वेज, ठीक है? फॉर वन, फॉर मैं ये री एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपको ना, आपने किस चीज के लिए लैम्बडा फंक्शन यूज किया है उसको एम्फोसाइज करना है, ये समझ में आया? नहीं तो आपसे एक्सपेक्टेशन कुछ और रहते हैं, ठीक है? इफ यू आर मेंशनिंग लैम्बडा फंक्शन इन योर रेज्यूमे तो उनको नहीं पता है कि यू हैवंट यूज्ड इट फॉर ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है? तो आपको ये स्पेसिफिकली जब भी आपको लैम्बडा फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, यू विल हैव टू मेंशन कि आई हैव यूज्ड लैम्बडा फंक्शन फॉर ट्रिगरिंग स्मॉल वर्क फ्लोज, फॉर ट्रिगरिंग बीइंग द कीवर्ड, ठीक है? यू आर जस्ट ट्रिगरिंग स्मॉल वर्क फ्लो। जब भी आप टेस्ट करते हो कुछ चीजें, यू डोंट वॉन्ट टू अवेल एनी ऑर्केस्ट्रेशन टूल, ठीक है? उस टाइम पे आप स्मॉल वर्क फ्लोज को ट्रिगर करने के लिए लैम्बडा यूज कर रहे थे, एज सिंपल एज दैट। एंड यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन कि आई आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ पांडास एज सच, ठीक है? आई एम अवेयर अबाउट इट बट डोंट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ पांडास, एंड आई हैवंट वर्कड ऑन लैम्बडा फॉर ट्रांसफॉर्म्स, ये सिंपली बता सकते हो। आपको लग रहा होगा ये लैम्बडा भी डिटेल में क्यों नहीं लिया, और कोई सर्विस डिटेल में क्यों नहीं ली? किसी का भी टेक्स्ट कितना वाइड नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। कोई भी इतने इस पे काम नहीं करता है। मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे बैच के या फिर मेरे पहचान में इतने सारे लोग हैं जो सिर्फ एयर फ्लो पे काम कर रहे हैं, वो AWS की सर्विसेज भी नहीं काम कर रहे, सिर्फ एयर फ्लो, सिर्फ डैग बनाना डैग बनाना डैग बनाना, इतने ही इस पे काम कर रहे, बहुत लोग हैं ऐसे, ठीक है? तो इतनी सारी सर्विसेज आप इन डेप्थ नहीं कर सकते हो और उसकी एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक है? बट इट इज गुड टू हैव दैट नॉलेज, इसीलिए लैम्बडा मैंने सिलेबस से मतलब आपको बेसिक एक्सप्लेन किया है। इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट फर्दर यू कैन, ठीक है? तो आपको अगर लगता है कि एक बेसिक ट्रांसफॉर्म पांडास से मैं करके देखूं, दैट इज अ गुड थिंग। इफ यू हैव टाइम, अभी आपने कंटिन्यूअसली पढ़ाई की है,
you are in that comfortable position to spend some time on a new thing, then you should explore it. Okay. It is good to have additional knowledge. There is no harm in it. But prioritize करते आना चाहिए चीजों को. जिसका हुआ नहीं है, जिसका एस्त्री बाकी है, ग्लू बाकी है, वो अगर लैमडा को लेके बैठेगा कि भाई लैमडाज में मैं पांडास से करके देखूंगा, आई वोंट अप्रिशिएट दैट. दैट इज फुलनेस. आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ के अगर कोई एक बेसिक चीज, जैसे सिंपल एग्जाम्पल यार, 100 मार्क का पेपर है, आपको पास करना है, ठीक है, और आप 25-25 मार्कर क्वेश्चन छोड़ रहे हो और 2 मार्क क्वेश्चन के लिए दिन रात पढ़ रहे हो. डज दैट मेक सेंस? सिंपल है ना? इट डजेंट मेक सेंस, राइट? 25-25 मार्कर्स क्वेश्चन के लिए पढ़ो, देर इज हाई चांस कि आप सक्सीड होंगे, ठीक है? तो जिनका हुआ है, जो भाई है, जिसने 90 मार्क्स की पढ़ाई कर ली है, ही वॉन्ट्स टू फोकस, ही और शी वॉन्ट्स टू फोकस ऑन 2 मार्कर्स नाउ टू इंक्रीज देयर स्कोर, ठीक है, तो उनके लिए ठीक है. उनके लिए बेसिक पांडास से डेटा फ्रेम रीड करना, 2 CSV फंक्शन से एक कोई बेसिक ट्रांसफॉर्म कर लो, ट्रिगर करो, सी कि क्या कैसे करना है उसको. नॉट दैट डिफिकल्ट. जो जो हमने किया है ना अभी, वही करना है आपको. उसको ग्लू जॉब ट्रिगर विगर भी नहीं करना है उसमें, सिंपल ट्रांसफॉर्म. यू विल हैव टू फेच दैट बकेट नेम एंड यूज दैट बकेट नेम फॉर इनपुट एंड फेच अनादर बकेट एंड यूज दैट बकेट नेम फॉर आउटपुट. यू विल फिगर इट आउट. ओके, जो भी जिनको लगता है हु वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर इट, यू कैन स्पेंड 2-3 hours, not more than that. If you don't get comfortable with it in 2-3 hours, just leave it. ठीक है, you don't have that time luxury. ठीक है, तो lambda में मुझे तो इतना ही लेना था. I can share you my notes for theory. ठीक है, आपको अगर lambda में और कुछ explore करना है तो you can do it on your own. This is glue, right? Okay, मैं इसको lambda समझता था. लैम्ब्रा में हम रन कहाँ से देख सकते हैं वैसे? सॉरी सॉरी, मैंने ना ये एक्सप्लेनेशन ही गलत कर दिया. वही सोच रहा था, ये फर्स्ट रन का ग्लू जॉब है, ये सेकंड रन का ग्लू जॉब, ये मैनुअल रन और ये हमारा S3 सेंस करके रन. ठीक है, तो जस्ट अ करेक्शन टू दैट. लैम्ब्रा में रन कहाँ से देखना है ना, वो आप एक बार देख लेना यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी. किसी ने अभी देखा क्या, कहाँ से देख सकते हैं हम लोग लैम्डा फंक्शन का ट्रिगर हिस्ट्री? हमारा ना क्लाउड वॉच का कुछ इशू हो गया, नहीं तो क्लाउड वॉच में ना हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, वहां पे यू गेट ऑल द डिटेल लॉग्स. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई ट्राई इट वंस, ये पे हो सकता है डैशबोर्ड. अभी नहीं है. मॉनिटरिंग में कुछ समझ में आ रहा है कि देख लेते हम. यहाँ पे कोई लॉग्स है क्या, बेसिक लॉग्स, जैसे ग्लू में होते हैं ना लोकल लॉग्स? और लैम्डा लॉग्स ऑलरेडी डिफाइंड बाय द फंक्शन एंड सो लॉग जनरेटेड बाय कोड cloud watch log to validate your cloud code instrumented with the custom logging statements. We should have printed it now. Logo print karna chahiye tha usme code mein, but you got the point, right? Matlab agar aapko yahan pe monitoring ka kuch nahi dikh raha hai na, to you can print it here also. To aapka execution details ka window open hota hai. At that time, you will be able to see this response and all. Okay. If you want to print something, मतलब आपको अगर response देखना है, आपका cloud watch नहीं configure हो रहा है, तो यहाँ पे print statement डाल के response print कर लो बस. ठीक है, तो इसको जब execute करोगे आप ना, तो आपकी execution window open होगी जैसे पहले हुई थी, जिसमें हमने response code वगैरह देखा था. ठीक है, तो ऐसे हाँ, तो इसमें आपको इसके डिटेल्स दिखेंगे कि
जॉब रन आईडी क्या है, आपको कौन सा ग्रुप जॉब ये हुआ है, ये सब चीजें दिखेंगी आपको, ठीक है। और कोई चीज, जस्ट ट्राई टू फिगर दिस आउट। ओके, आपको क्लाउड वॉच सीखना ही है वैसे भी, तो आप जब क्रिएट करोगे ना लैम्डा, तो प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी परमिशन फॉर योर क्लाउड वॉच, ठीक है। और आपके लैम्डा फंक्शन जब ट्रिगर कर रहे हो तो उसका लॉग ग्रुप क्रिएट हो रहा है या नहीं। इफ यू फाइंड एनी एरर और इश्यूज विद इट, जस्ट ट्राई टू डीबग इट एंड फिगर आउट। ओके, उससे आपकी क्लाउड वॉच भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ हाउ टू सी द लॉग्स इन क्लाउड वॉच, ठीक है। आर यू फॉलोइंग मी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू टू कवर न्यू थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो क्लाउड वॉच आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये पढ़ाया जाएगा, आप ही देख लो। क्लाउड वॉच में ऐसे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, इट इज जस्ट हाउ यू एक्सप्लोर इट। यू कैन सी अनदर वॉच लॉग ग्रुप, आई कैन शो यू हाउ टू सी द लॉग्स, ओके, बट देर इज नथिंग टू टीच इन इट, ठीक है। चलो लेट्स सी दिस थिंग। तो यहाँ पे आपके लॉग स्ट्रीम्स होते हैं, तो लॉग स्ट्रीम्स क्या है, बेसिकली आपका ये लॉग ग्रुप है, इसमें मल्टीपल रन्स रहेंगे। जैसे ग्लू का कोई लॉग ग्रुप होगा, उसमें मल्टीपल रन्स रहेंगे, हर रन को हम लोग लॉग स्ट्रीम से ट्रैक करेंगे। इफ यू वॉन्ट अ पर्टिकुलर रन टू सी, यू कैन सिलेक्ट दैट रन, मतलब सिलेक्ट दैट लॉग स्ट्रीम एंड लुक एट द लॉग्स। ये ओल्डर है इसलिए आई डोंट नो, यू विल हैव टू हैव अ करेक्ट एक्सेस ऑल्सो। ओके, हाँ ये लास्ट इवेंट रहा, मतलब इसमें होगा। हाँ क्या हो गया, डिटेल लॉक्स करने आ रहे इसमें। ओके, आई डोंट नो। हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर कोड आया है इसीलिए। हाँ ये देखो, आप यहाँ पे ओपन करके ना इसकी डिटेल्स देख सकते हो, जो भी ट्रैक हो रही है एंट्री टाइम स्टैम्प के हिसाब से। यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन एंड लुक एट ऑल द वॉट एवर एरर्स आर देयर, और एनी लॉगर स्टेटमेंट यू हैव पुट इन, और एनीथिंग लाइक दैट। जो भी डिफॉल्ट लॉग्स ट्रैक होते हैं वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये एरर के लॉग्स है इसीलिए ज्यादा एंट्री नहीं दिख रही है हमें। चलो एक कोई अच्छा लॉग देखते हैं, आरडीएस कनेक्शन, टेस्ट कनेक्शन का लॉग। हाँ ये देखो देखो, आपको डिटेल में रहेगा इसमें, ठीक है। तो यू कैन जस्ट ड्रॉप इट डाउन, उसके डिटेल्स मिलेंगे आपको। कोई ड्राइवर प्रॉपर्टीज जो भी है, ठीक है। तो आपको जस्ट देखना है कि क्या हो रहा है। आपको लॉग्स देखना तो आता है यार, ऐसे तो मत करो। लॉग्स देखना आता है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सी लॉग्स, कौन सी चीजों पे फोकस करना है, कौन सी चीजों पे कौन सी चीज सर्च करनी है। यू डू अंडरस्टैंड दैट राइट? डिबगिंग स्किल आने चाहिए मेरे ख्याल से, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो डिबगिंग स्किल ही है। फ्रेश डेवलपमेंट बहुत कम होता है, एग्जिस्टिंग चीजें उठा के ही उसको इधर उधर मैनेज करनी होती है, ठीक है। अगर कुछ नई भी कोड पाइपलाइन बना रहे हो, ठीक है, तो भी उसमें ना आपका एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होता है, उसके कंप्लायंस में ही जो चीजें होती है ना, वही 20-30-40% वही चीजें डालनी होती है कि एग्जिस्टिंग फंक्शन यूज करो, एग्जिस्टिंग मॉड्यूल यूज करो, उसको मतलब रियूजेबिलिटी के लिए बनाया होता है तो उसको यूज करो। बहुत कम चीजें होती है आप नहीं डालते हो, 20-30-40% मैक्स टू मैक्स। अगर आपका 500 लाइन का कोड है एंड यू हैव 3-4 फाइल्स, तो उसमें 500 लाइन में से आपकी 300-400 लाइन तो एग्जिस्टिंग चीजों से ही बनी हुई होती है। देर आर ओनली 100-200 लाइन्स दैट यू एड ऑन योर ओन, ठीक है। तो
डिबगिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो चीजों पे काम करो, ठीक है। आपके इंटरव्यू में भी ना, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे होते हैं एंड स्पेशली फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनीज आपको ना जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछती है, लेकिन ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना तो उसको ज्यादा टेस्ट करती है, क्योंकि उनको ऐसा पर्सन चाहिए जिसको कहीं पे भी थ्रो करो ही कैन स्विम, ठीक है। तो और तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको ना एक कोई प्रॉब्लम दे देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले पे, मतलब समझो एक कोई आर्किटेक्चरल मतलब पाइपलाइन दे दिए, ठीक है, और वो कोई किसी और ही चीज की है, लाइक दूसरे क्लाउड की सर्विसेज यूज हो रही है, ठीक है, और आपको बोलेंगे कि आप डिजाइन कर सकते हो क्या आपके टेक स्टैक के हिसाब से, तो नॉट नेसेसरीली कि आपको वो सर्विसेज पता होनी चाहिए दूसरे क्लाउड की, यू कैन आस्क देम अबाउट दैट सर्विस की व्हाट डज दिस सर्विस डू, ठीक है, तो उसके उन्होंने जो आंसर दिया है उसके हिसाब से यू विल चूज अ रेलिवेंट AWS सर्विस एंड यू विल एक्सप्लेन देम अ गुड फ्लो बाय मेकिंग अ गुड डिजाइन, ठीक है। तो उसमें भी आपको सारे पैरामीटर्स वगैरह उनको एक्सप्लेन करने होते हैं कि व्हाई यू हैव चोजन दिस, व्हाई यू हैवंट चोजन अदर सर्विस, ठीक है, तो कनेक्शन के लिए क्या कर रहे हो, ये टाइप की थिंकिंग अभी से बिल्ड करो, आर्किटेक्चरल थिंकिंग, सिंपल आर्किटेक्चर, नॉट अ वेरी इनडेप्थ आर्किटेक्चर एज सच, लेकिन सिंपल कि यार चलो तो आपको बोला है कि लोकल ऑन प्रेम डेटाबेस से मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करना है EMR को, EMR में मुझे एज अ हाइव टेबल रीड करना है जो भी डेटा आ रहा है उसको, और वो जो हाइव टेबल एक्सटर्नल टेबल्स रहेंगे उसका लोकेशन S3 रहेगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू यूज स्पार्क फॉर ट्रांसफॉर्म, स्पार्क में मैं हाइव टेबल्स को रीड करूंगा, ठीक है, तो हाइव टेबल्स का आउटपुट मैं S3 में स्टोर करूंगा और ये उसको कॉपी कमांड से मैं रेडशिफ्ट में डालूंगा। तो इसको ये अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है तो आपको यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कि मुझे कैसे सर्विसेज का फ्लो होना चाहिए और उसमें कैसे, आपको अगर किसी ने बोला है कि हाउ यू विल मैनेज अ कोड रिपोजिटरी, व्हाट टाइप ऑफ हायरार्की ऑफ फोल्डर्स यू विल मेंटेन, किस किस चीज को आप मॉड्यूलराइज कर सकते हो, किस चीज को एज अ कॉमन मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अभी मेरे कंपनी में मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, अभी हमारे यहाँ पे 2 पोजीशन हायरिंग पे है, तो हम काफी इंटरव्यूज ले रहे हैं अभी, इसी महीने मैंने 4 इंटरव्यू हो गए, ठीक है, तो आज ही इंटरव्यू 1 बजे वैसे, तो हम तो वही कर रहे हैं, तो बेसिक पर्पज है कि टीम में अगर कोई नया बंदा आता है ना सबको वही चाहिए होता है कि ये लायबिलिटी ना रहे, असेट बने, क्योंकि लायबिलिटी बनता है तो काम टीममेट्स का पड़ता है, ठीक है। तो उसमें अगर टेक स्टैक भी नहीं है ना, उसमें फिगर आउट करने की कैपेबिलिटी है ना, तो प्रिफरेबली चूज कर दे। अगर एक बात बोल देता हूं मैं आपको, अगर किसी को ना एक SQL की क्वेरी भी नहीं आती है लेकिन उसका ना अप्रोच अच्छा है कि मैंने जो स्टेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है समझो, ठीक है, ही इज ट्राइंग टू डीकोड इट प्रॉपरली, ही इज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन इट प्रॉपरली, ही और शी, तो उसको अप्रिशिएट ज्यादा करते हैं लोग रैदर देन समवन हु राइट्स द क्वेरी डायरेक्टली, ठीक है, ये चीज समझ लो, राइटिंग स्किल मतलब क्वेरी आना बहुत जरूरी है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आपकी ना थिंकिंग आउट लाउड और जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डिस्प्ले करने की जो कैपेबिलिटी है ना वो बढ़ाने का ट्राई करो अभी के लिए, ठीक है, ये कुछ ज्ञान मेरी तरफ से आपको आपको लग रहा होगा ये क्या बता रहा है, लेकिन मुझे लगता है यार आप लोग, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता है आप लोगों में ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कुछ लोग है जो काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यू शुड नॉट जस्ट स्टडी स्टडी एंड स्टडी, ट्राई टू थिंक अबाउट इंटरव्यूज एंड ऑल, ठीक है, तो अभी इंटरव्यू क्रैक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो ट्राई टू थिंक इन दैट डायरेक्शन कि ज्यादा से ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करो, ठीक है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है आपकी बैच, ठीक है। चलो गाइज, तो हम लोग ना कल से एयरफ्लो स्टार्ट करेंगे, यू विल हैव टू कवर लैम्बडा इन सर्टन डेप्थ, मतलब ज्यादा नहीं, इट इज अप टू यू इन विच पोजिशन यू आर इन,
और उसके बाद एक क्लाउड वॉच का बेसिक ओवरव्यू ले रो ले लो। आपको पूछते हैं कि हाउ डू यू मॉनिटर योर क्लाउड वॉच, मतलब योर लॉग्स एंड ऑल, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। लाइक लर्न अबाउट दिस, व्हाट आर दिस अलार्म्स, नोटिफिकेशंस, इवेंट नोटिफिकेशंस है क्या इसमें, आई डोंट नो। हम लोग डेटा डॉग यूज करते हैं तो मुझे क्लाउड वॉच के बारे में इतना पता भी नहीं है। आई डोंट नो, अलार्म्स अलार्म्स, जस्ट ट्राई टू सी व्हाट इट इज, ओके। या फिर ग्राफिना वगैरह कॉन्फिगर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको, ओके ठीक है, चलो देख लो। ठीक है, क्लाउड वॉच खुद से देख लो, बेसिक ओवरव्यू, किसी ने पूछे क्वेश्चन तो आना चाहिए, चलेगा? कोई क्वेश्चंस आज के रिलेटेड, इस आगे की जो भी चीजें होने वाली है उसके रिलेटेड? आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग, ओके।